A very good afternoon to all of you. Today we are starting the chapter Current Electricity on request of some of the students who said that they could not attend the lecture in class. So here it is in very short, but I will try to cover all the topics which are in your syllabus. Current electricity से पहले आपने electrostatics पढ़ा था. Electrostatics क्या था? It was the branch of physics which dealt with the phenomena of stationary charge. Current electricity physics का वो branch है जो कि आपके moving charge के effects को और phenomena को explain करता है. So the part of physics which deals with the effects of moving charge is known as current electricity. कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर जो हमने इंक्लूड किए हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस हैं. देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, यानी कि जितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो होता है वो करंट कहलाता है. इसका एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर होता है और मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जहां आई जो है वो करंट है. अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो होता है तो जो करंट होती है वो एक एम्पियर के बराबर होती है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और कन्वेंशनल करंट जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम को माना जाता है. इसलिए अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कहीं फ्लो हो रहे हैं तो जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है. ये देखिए, मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, ये आपके अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे फ्लो कर रहे हैं, वो आपके निगेटिव एज ऑफ बैटरी से निकल के पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल एग्जिट फ्रॉम निगेटिव एज ऑफ बैटरी एंड दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी. सो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है वो इस तरह से है, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी से निगेटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ चलती है. इसलिए आपने देखा होगा कि सर्किट्स में जो करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है वो इस तरफ दिखाया जाता है, पॉजिटिव एज से निकलता हुआ. दूसरा, जो कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. अब आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में जितना काम करना पड़ता है उसके बराबर होता है. यानी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज is known as electric potential of that point. Electric potential को V से represent करते हैं और इसका जो SI unit होता है वो volt होता है. Electric potential work done upon charge के बराबर होता है, इसलिए mathematically V is equal to W upon Q. ये देखिए, ये मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है, यहाँ infinity से लेके और charge पार्टिकल को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आप ले आए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी चार्ज बॉडी के अंदर काम करने की कितनी कैपेबिलिटी है इसको भी एक्सप्लेन करता है. अगर W एक जूल है और Q 1 कूलम्ब है तो V 1 वोल्ट होता है. तो यहाँ से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी ऑब्जेक्ट का तब होता है अगर एक जूल वर्क वो बॉडी करती है एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दो पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है. या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का V2 है, तो V1 माइनस V2 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में. ये देखिए, यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से ये पॉइंट 1 है, यहाँ तक लाने में इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो पॉइंट 2 है इसका पोटेंशियल V2 है, तो V इज इक्वल टू V1 माइनस V2.
दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स या टू चार्ज बॉडीज की तरह से भी कहा जाता है. और कोई भी बॉडी अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पे दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में, एक बॉडी दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में अगर डिफरेंस हो दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये भी उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है. वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डेल्टा वी से लिखा जाता है. चूंकि ए और बी पॉइंट्स के बीच में मैंने यहाँ दिखाया था, इसलिए डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. जो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी वोल्ट ही होता है. ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहती है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, लेंथ है वगैरह वगैरह, अगर इन सबको कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों एजेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यानी कि इफ फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एजेस. यानी कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, या हम उल्टा लिख देते हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, या वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहां आर एक कॉन्स्टेंट है, इसको कॉन्स्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है. रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए जो पाथ होता है उस करंट के पाथ में जो ऑपोजिशन ऑफर होता है, जो विरोध होता है. ठीक. सो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से भी लिखा जाता है, स्मॉल आर से भी लिखा जाता है, और इसका एसआई यूनिट जो है वो ओम होता है. मैथमेटिकली आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है. ये मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए सर्किट है, और आपने ये लैब में आपने ओम्स लॉ को वेरीफाई भी किया था. देखिए सेम सर्किट है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ये आपका जो भी आपका लोड है वो है, इसके पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर लगाया जाता है, क्योंकि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो दोनों पॉइंट्स के बीच में भी लगता है. इसके सीरीज में एमीटर लगा है, एमीटर से बैटरी जोड़ी गई है, बैटरी के साथ एक की लगाई गई है, और यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस रिहोस्टेट लगा हुआ है. इधर दूसरे एंड से रिहोस्टेट को बीच में टैप किया गया है. आप इसको आगे पीछे करके जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उसको वैरी कर सकते हैं, और जब ये रेजिस्टेंस वैरी होगा तो इसके वैरी होने से जो वोल्टेज है वो वैरी होगा. वोल्टेज या करंट, सॉरी करंट वैरी होगी, और करंट वैरी होगी तो वोल्टेज भी वैरी होगा. तो आप वी और आई के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया था जो कि एक स्ट्रेट लाइन आती थी, विच प्रूव्ड द ओम्स लॉ. अब ये देखा गया है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो पहले तो जो मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा वो उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है, और तीसरा वो उसका कितना मोटा है, यानी कि कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कोई भी वायर का कितनी मोटाई है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पे भी डिपेंड करता है. और ये देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एंड इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. सो फ्रॉम हियर वी फाइंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एल and R is proportional to 1 upon A. Combining them, we get R is proportional to L upon A, or R is equal to rho L upon A. This rho is called resistivity or specific resistance of the material, and here it is added as a constant for proportionality. अब यहाँ पर अगर आप L की जगह 1 meter square रख दें, और sorry A की जगह 1 meter square रख दें, और L की जगह 1 meter रख दें, तो you see that R is equal to rho. देखिए यहाँ L जो है ये भी वन रख दिया, 1 meter, A आपने रख दिया 1 meter square, तो R comes out to be equal to rho. यहाँ से हम specific resistance को define कर सकते हैं. कैसे? कि जो किसी भी material का specific resistance जो है उसके resistance के बराबर होता है अगर उसका length unit हो और area of cross section भी unit हो. यानी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट मटेरियल. ये जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम इनटू मीटर होती है.
अब देखिए रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, वो उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के। और ये क्या करता है, किसी मटेरियल की कितनी एबिलिटी है कि उसके अंदर से करंट पास हो सके, करंट को इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको ग्रीक लेटर सिग्मा से लिखा जाता है और इसका जो SI यूनिट होता है ये सीमेंस पर मीटर होता है। कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है और इसको जी से लिखा जाता है, 1/r के बराबर होता है। इसका SI यूनिट 1/ohm या ओम इनवर्स होता है जिसको कि MHO भी कहा जाता है। रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करता है। जो रेजिस्टर की किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सो रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स प्रॉपर्टी टू रिड्यूस करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यहाँ आपको मैंने कुछ रेजिस्टर्स दिखाए हैं। ये रेजिस्टर्स आपको जब मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उसमें कि ये कैपेसिटेंस हैं जो आपको लैब में पहचानने पड़ेंगे। तो इनफैक्ट आपको कुछ रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स डायोड इस तरह के छोटे छोटे सब एक ही साइज के होते हैं छोटे छोटे, ये आपको कई सारे दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से पहचान के अलग करने को कहा जाएगा कि कौन सा रेजिस्टर है और कौन सा कैपेसिटर है कौन सा डायोड है। सो दीज आर सम रेजिस्टर्स, पिक ऑफ सम रेजिस्टर्स ऑन योर स्क्रीन। अब देखिए जो ज्यादातर सर्किट्स होते हैं उनके अंदर एक से ज्यादा रेजिस्टर्स लगे होते हैं। रेजिस्टर बेसिकली किसी भी एपरेटस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका है उन सब के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। एग्जांपल के लिए आप घरों में बल्ब यूज करते हैं उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, पंखा चल रहा है उसका भी रेजिस्टेंस होता है, कूलर चल रहा है उसका भी रेजिस्टेंस होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सबके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। अब इनको या तो सीरीज में जोड़ा जाता है या पैरेलल में, ऐसा होता है ना कि आप एक साथ कई सारे एपरेटस चला लेते हैं, ऐसा आपने घर में भी आप करते हैं, कभी कभी आप ऐसा भी कर लेते हैं कि एक ही स्विच से कई सारे एपरेटस चला लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अलग अलग एपरेटस अलग अलग स्विच से ऑन करते हैं, यानी कि आप वहां पर एक जगह पे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स कर सकते हैं। अगर कई सारे रेजिस्टर्स को एक साथ कनेक्ट किया जाए एक ही बैटरी से या एक ही पावर सप्लाई से तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जानना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जानना जरूरी था, इसलिए कि आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट डैमेज ना हो। तो अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स करते हैं। दो तरह की ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, अगर दो या ज्यादा रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उन सब में से बराबर करंट पास हो रही हो तो ये हमारे सीरीज कनेक्शन कहलाता है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये हमने तीन रेजिस्टर्स जोड़े हैं R1, R2 और R3। इन सब में से एक ही करंट I पास हो रही है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप इनमें अलग अलग है, V1, V2 और V3। फिगर से हम लिख सकते हैं V=V1+V2+V3, क्योंकि ये देखिए V जो है ये इन तीनों के बराबर है, V1+V2+V3। तो यहां से हम लिख सकते हैं V=V1+V2+V3, लेकिन ओम्स लॉ से हमको पता है कि V=I×R होता है। यहां से V1=I×I×R1, V2=I×R2 एंड V3=I×R3। ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में और हमें एक एक्सप्रेशन मिला IR=IR1+IR2+IR3। ये I जो है वो सारे में से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फाइनली एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा R=R1+R2+R3। यानी कि अगर कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहां से वी कंक्लूड दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। दूसरा आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को
कनेक्ट किया गया है इस तरह से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक का बराबर है, तो हम इनको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे ये तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3। करंट जो I फ्लो हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो होती हुई आपको दिख रही होगी, और ये देखिए ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती है इधर I1, इधर I2 और इधर I3 में। लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तीनों रेजिस्टर्स में सेम है, दैट इज इक्वल टू V। अब यहाँ से आ जाइए, हम फिगर से ये देखते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, लेकिन ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, इसलिए I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। इन सब को हम सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन में इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहां से आपका V कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट एन एक्सप्रेशन 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि अगर तीन रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल जो है वो तीनों रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अब देखिए ओम्स लॉ जो है वो सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के काम आती है। सिंपल सर्किट्स हैं जहां पे एक रेजिस्टेंस लगा है या दो रेजिस्टेंस लगा है या सीरीज में और पैरेलल में लगा है, लेकिन जो आपका करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है वो एक ही है, तो उसको हम ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमारा मल्टीपल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं या एक ही पॉइंट पे बहुत सारी करंट्स आके मिल रही हैं, तो वो ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं हो पाते। ऐसे सर्किट्स को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स कहते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का यूज किया जाता है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था जिसने दो लॉज दिए थे, ये दोनों लॉज जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। पहली लॉ को नोड लॉ या जंक्शन लॉ या करंट लॉ या KCL कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, या दूसरी मेश लॉ कहलाती है या वोल्टेज लॉ कहलाती है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या KVL। पहली लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ ये कहती है कि किसी जंक्शन पे मिलने वाली सारी करंट्स का सम जो है वो उस जंक्शन को लीव करने वाली सारी करंट्स के बराबर होता है। यानी अगर एक कोई पॉइंट है, एक कोई नोड है, तो उस पर जितनी करंट्स अंदर की तरफ आ रही है उतनी ही उनका सम जो है बाहर की तरफ जाने वाली करंट्स के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ए है, वहां पे I1, I2, I3 तो अंदर की तरफ आ रहे हैं और I4 और I5 बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5। इसको दूसरी तरह से ऐसे लिखा जाता है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, या समीशन I इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो स्क्रीन पे है एक पॉइंट ओ है, ये नोड है, ये जंक्शन है। इस जंक्शन पे चार करंट्स मिल रही हैं, एक I1, दूसरा I2, तीसरा I3 और चौथा I4। I1 जो है बाहर की तरफ जा रही है, I4 भी बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन I2 और I3 अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं अल्जेब्रिक सम के हिसाब से I1 और I4 जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उसको हमने पॉजिटिव लिया है और अंदर की तरफ जो जा रहे हैं उसको हमने नेगेटिव लिया है। तो I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो, या I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। बाहर जाने वाली I1 प्लस I2, अंदर आने वाली I2 प्लस I3, बाहर जाने वाली जो अंदर जाने वाली है उसके बराबर है। दूसरा लॉ देखिए, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है और ये कहता है कि किसी क्लोज्ड मेश में या किसी क्लोज्ड लूप में जो अल्जेब्रिक सम होता है सारे वोल्टेजेस का वो जीरो के बराबर होता है। वोल्टेजेस कहाँ से आएंगे, एक तो EMF आएंगे बैटरीज के, जितनी बैटरी आपकी लगी है उनको समीशन E से लिखा जाता है, और जितने वोल्टेज ड्रॉप्स हैं डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में ये समीशन IR से लिखा जाता है। अगर एक रेजिस्टेंस R1 है उसमें से करंट I1 जा रहा है, तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 अल्जेब्रिक सम होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक फिगर बना के दिखाया हुआ है,
वैसे आपके में प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है, बट फिर भी आप ये देख लीजिए, ये इस फिगर में जो ऊपर वाला है एक मेश तो ये है जिसको कि हम कह सकते हैं ई एफ सी डी। ये देखिए सी डी ई एफ एक मेश ये है और ए बी सी एफ दूसरा मेश ये है। जो ऊपर वाला मेश है उसमें करंट I2 फ्लो हो रही है इधर की तरफ और I1 प्लस I2 फ्लो हो रही है इधर की तरफ। नीचे वाले मेश में I1 फ्लो हो रही है इधर की तरफ और I1 प्लस I2 फ्लो हो रही है इधर की तरफ। इसमें से हम देखिए कैसे लिखेंगे, R1 I1 प्लस I2 इंटू R2 I1, सॉरी R1 प्लस R2 ब्रैकेट में कर लीजिए, I1 प्लस I2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस I2 R3 प्लस I2 R4 is equal to E2, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है। ऐसे ही दूसरे वाले में आपका क्या होगा, E1 is equal to I1 plus I2 R1 plus R2 ब्रैकेट में और प्लस I1 R5। ये आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया था, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों जो लॉज हैं उनको ढंग से याद करिएगा, उनका स्टेटमेंट याद होना आपको जरूरी है। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है यानी सेकेंड लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और ये नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ अ चार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लोज्ड पाथ इज जीरो, इस तरह से भी इसको कहा जाता है कि किसी कोई चार्ज अगर एक क्लोज्ड पाथ को कवर करता है तो जो नेट चेंज इन एनर्जी होता है उस चार्ज का वो जीरो होता है। अब आ जाइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। जब भी आपने घर में देखा होगा कि आपने बल्ब जलाया थोड़ी देर जलता रहा तो वो गर्म हो गया, ट्यूबलाइट जलाया वो भी गर्म हो जाती है, पंखा चलता है वो भी थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में से अगर करंट पास होती है तो वो थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। जो हीट जनरेट होती है वो किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में उसको जूल्स में नापा जाता है और ये जूल्स लॉ जो है, जूल साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया है, और ये जो है रिलेशनशिप है करंट इलेक्ट्रिक करंट में और हीट प्रोड्यूस में, किसी कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है और उसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसीलिए कहलाता है क्योंकि जूल ने ये लॉ दिया था और उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो जो हीट उसमें जनरेटेड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, दूसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और तीसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अप टू विच द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी ज्यादा टाइम फ्लो होगा तो ज्यादा गर्मी डेवलप होगी, कम टाइम फ्लो होगा तो कम गर्म होगा। अगर करंट ज्यादा है तो उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हीट डेवलप होगी, अगर करंट कम है तो कम हीट डेवलप होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है हीट ज्यादा डेवलप होगी, रेजिस्टेंस कम है तो हीट कम डेवलप होगी। इनको तीनों को कंबाइन कर दिया तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, जहां H जो है वो हीट डेवलप्ड इन कंडक्टर है, I करंट, R रेजिस्टेंस और T टाइम। यहां से हमने कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी लगा के हटाया था जिसकी वैल्यू 1 है यहां पर, और इस तरह से आपका H आ जाता है I स्क्वायर आर टी के बराबर, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ, सो प्लीज पोस्ट योर अटेंडेंस ऑन ग्रुप, एंड इफ देयर इज सम If you have any sort of problem in this topic, you have some difficulties, you can post it there also, because today we are